बिहार की राजधानी पटना में आजकल एक बड़ा मुद्दा गहराया है। सरकार के एक फैसले ने यहाँ के ऑटो चालकों और बस मालिकों की चिंता ये कहकर बढ़ा दी है कि यहाँ पर डीजल वाले ऑटो और बस नहीं चलेंगे। मतलब ये हुआ कि इनका परिचालन राजधानी पटना में पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। ये बातें कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन इसके एवज में सीएनजी की बात भी कही जा रही है। ऑटो चालक संघ की 6 महीने वाली मांग पर बात नहीं बन पा रही है। लगता है यही कारण है जिसके बाद अब ये भी साफ कहा गया है कि पटना में अगर इस प्रकार के वाहन रोड पर चलते पकड़ा जाते हैं तो 30,000 का जुर्माना वसूल लिया जाएगा। इसका मतलब कि आपको एक झटके में 30,000 रुपए का झटका लग सकता है। अब ऐसे में समस्या बहुत बड़ी हो चली है। पटना जिले में अब डीजल ऑटो या बस चलाया तो 30,000 तक जुर्माना वसूला जाएगा। जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीजल ऑटो और बस सहित अन्य कमर्शियल गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऐसी गाड़ियों को पकड़े जाने पर परिवहन विभाग के आदेश के उल्लंघन करने के साथ प्रदूषण फेल या फिर बीमा फेल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर भी कार्रवाई होगी। उल्लंघन के साथ साथ जो जो कागजात नहीं रहेंगे उसका भी जोड़कर जुर्माना वसूला जाएगा। सभी तरह के जुर्माना जोड़कर अधिकतम 30,000 रुपए तक वसूला जाएगा। एक दिन पहले ही गांधी मैदान से पटना जंक्शन की सड़कों पर जांच के दौरान 15 डीजल ऑटो पर कार्रवाई हुई है। इसे 2500 से लेकर 30,000 रुपए तक जुर्माना किया गया। 3,57,000 रुपए वसूल किए गए और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ये बात भी कही जा रही है। दूसरी ओर डीजल ऑटो चालकों ने 6 महीने और मोहलत देने की मांग की है और यही कारण है कि इस मांग को लेकर आर ब्लॉक पर जाम भी किया गया और प्रदर्शन भी किया गया। परिचालन पर लगी रोक के खिलाफ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करने सभी लोग निकले थे। ऑटो चालक संघ के जितने भी सदस्य थे वो सड़क पर आए थे और आर ब्लॉक के पास पुलिस ने एक लेन को इसी कारण बंद कर दिया था। प्रदर्शनकारी आर ब्लॉक आकर रुक गए, जिसके बाद सुबह 11 से 2 बजे तक जीपीओ की तरफ से आर ब्लॉक आने वाली लेन को जाम ही देखा गया। अब ऐसे में पटना में ये समस्या काफी गहरा रही है। लगातार ऑटो चालक संघ सड़क पर उतर रहा है। ऑटो चालक जितने हैं, बस चालक जितने हैं, वो सड़क पर उतर रहे हैं और सरकार से 6 महीने की मोहलत मांग रहे हैं। अब सरकार उनको मोहलत देती है या नहीं देती है, ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल सरकार का जो आदेश है उसके मुताबिक राजधानी पटना में प्रदूषण काफी बढ़ गया है और यही कारण है कि डीजल ऑटो और डीजल बसों के साथ साथ अन्य कमर्शियल वाहनों के परिचालन पर राजधानी में रोक लगाई गई है। लेकिन फिर भी ऑटो चालक नहीं मान रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है, भूख का सवाल है, पेट का सवाल है और यही हवाला देते हुए ऑटो चालक रोड पर आ रहे हैं और ऐसे में चालान काटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और ये चालान छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि अगर कागजात वगैरह आपके पास नहीं होते हैं तो आपको लगभग लगभग 2500 से 30,000 रुपए तक का भी जुर्माना देना पड़ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी ऑटो चलाने वाले के लिए या फिर बस चलाने वाले के लिए। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।